कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। पत्नी के मेरठ ACM संजय कुमार संग चल रहे प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर पति पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। पति इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचा, लेकिन थानेदार ने इसे टहला दिया। मेडिकल कराकर आज पति संजीव कुमार ने SSP रोहित साजवाण से मुलाकात कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। संजीव कुमार का कहना है कि उसे जान से मारने की धमकियां बराबर मिल रही हैं। उसे ACM के गुंडों से जान माल का खतरा है। अभी हाल ही में संजीव कुमार ने शिकायती पत्र देते हुए कहा था कि देर रात उसकी पत्नी नग्न अवस्था में ACM को वीडियो कॉल करती है। हालांकि ACM संजय कुमार ने लगाए गए सभी आरोपों को झूठा बताया था। आज SSP से मुलाकात के बाद प्रगति नगर थाना सिविल लाइन निवासी संजीव कुमार ने फर्स्ट बाइट TV से यह कहा। मैं पहले भी आया था, मैं 28 तारीख को आया था। 28 तारीख को अपनी प्रार्थना पत्र लेके आया था, जिसमें मेरे द्वारा बताया गया था कि मेरी धर्म पत्नी पूजा और ACM मेरठ संजय कुमार के बीच में नाजायज संबंध है, जिसमें मेरी पत्नी के द्वारा मुझे जान से मारने की, मुझे झूठे मुकदमे फंसवाने की धमकी मिल रही थी। उसी चीज़ को लेकर मैंने एक अपनी शिकायत, अपना प्रार्थना पत्र 28 तारीख को, 28 अगस्त को कप्तान साहब को दिया था, जिसको मैंने फिर 29 तारीख को भी जो है दोबारा कप्तान साहब को अप्रोच किया था। और लगातार मैं उनसे बार बार यही कह रहा था कि ये दोनों मिलकर मेरे साथ में, मेरी मदर के साथ में, मेरे बच्चों के साथ में कोई अप्रिय घटना घटा सकते हैं। जैसा हुआ कि कल मैं रिजर्वेशन कराने सिटी रेलवे स्टेशन जा रहा था, मेरठ कैंट से थोड़ा सा आगे, कैंट रेलवे स्टेशन से आगे रजबन की तरफ मैं स्कूटी पर जा रहा था। चार अज्ञात कैरेक्टर्स ने, दो ने आगे से मेरी स्कूटी रोकी, दो ने पीछे से मेरी स्कूटी रोकी, मेरे मुंह पे कपड़ा डाला और एक ने रस्सी से मेरा गला दबाने की कोशिश की और बाकी कैरेक्टर्स ने लाठियों से, डंडों से मेरी पीठ पर हमला किया। उसके बाद वो गाली देते हुए ये चले गए, गाली देते हुए मेरे को गंदी गंदी गाली देते हुए उन्होंने कहा कि तू बहुत कंप्लेंट कर रहा है SDM संजय के खिलाफ में, तुझे जल्दी जो है ऊपर पहुँचाने का टाइम आ गया है, या तो अपनी हरकतों से बाज आ जा, या तो तू चुप हो जा और जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, अन्यथा तू ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, तू जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा। पहचाना किसी को उनमें से? नहीं, क्योंकि उन्होंने, कितने बजे घटना है? ये लगभग 11:30-12 के आसपास की घटना है, क्योंकि मैं जा रहा था, वो पीछे से आए और सडनली दोनों आगे रोका, उनके मुँह पे मास्क लगे हुए थे, मास्क लगने के बाद में उन्होंने मेरे मुँह पर कपड़ा डाल दिया, इसलिए मैं किसी को पहचान नहीं पाया। शिकायत करी आपने? मैं अपनी शिकायत लेकर लालकुर्ती थाने पहुंचा था, पर वहां किसी ने मेरी शिकायत नहीं दर्ज करी। उसके बाद मैं स्वयं गया, अपना मेडिकल कराया, प्यारेलाल में अपना मेडिकल कराया और मेडिकल करा के आज अपना ज्ञापन लेके मैं कप्तान साहब के दोबारा मिला और एक मैं पेन ड्राइव लेके आया था, जिसमें मेरी वाइफ का कन्फेशन है, एक घंटे का ऑडियो है, जिसमें मेरी और मेरी वाइफ का आपस में बात चल रही है, जिसमें वो बड़ी बेशर्मी से बता रही है कि उसके और SDM संजय के बीच में संबंध हैं। SSP ने क्या कहा? SSP महोदय ने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर कोई केस नहीं बनता है, वो कोई क्राइम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको जो है हटा दिया गया है, वो कोई क्राइम नहीं है, वो कोई ऑफेंस नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर वो ऑफेंस नहीं है, मारपीट की घटना पर तो कुछ कहा होगा उन्होंने? उन्होंने मार्क कर दी है वो, बाकी इस बारे में मुझसे और कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं पहली बहुत परेशान हूँ, इस बारे में उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने मार्क कर दी है, कंसर्न थाने को मार्क कर दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।